हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 14 नवंबर से 3 दिसंबर, उसी के हाल ही के TCS के द्वारा पूछे गए सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने आत्म सुरक्षा की भावना पैदा करने और गांव के आसपास के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्राम रक्षा गार्ड योजना विलेज डिफेंस गार्ड्स स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम की शुरुआत जम्मू और कश्मीर के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ACF ने ग्रैंड मास्टर डैश को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया, जो 2700 एलो रेटिंग लक्ष्य को तोड़ने वाले केवल छठे भारतीय हैं और 2700 से ऊपर रेटिंग पाने वाले देश के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन हैं? डी गुकेश। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किस शहर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था? किस शहर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है? पुणे में आयोजित किया गया है, तो पुणे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी ने प्रथम स्थान हासिल किया है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा, किस राज्य ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य में कम से कम 2,00,000 नए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 पेश की है? गुजरात के द्वारा पेश की गई है, तो गुजरात सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे ध्यानपूर्वक, 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष का पुरस्कार वेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल अवार्ड किसने जीता है? ये अवार्ड अरिजीत सिंह ने जीता है, तो अरिजीत सिंह सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें वेस्ट फिल्म, तो वेस्ट फिल्म जो है गंगूबाई काठियावाड़ी और क्रिटिक्स अवार्ड वेस्ट फिल्म बधाई दो, सबसे अधिक पुरस्कार गंगूबाई काठियावाड़ी जिन्होंने इस फिल्म ने लगभग 10 अवार्ड जीते हैं। इसमें देखिए वेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है ना, ये संजय लीला भंसाली के द्वारा जीता गया है। वेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट के द्वारा जीता गया है। वेस्ट एक्टर का अवार्ड राज कुमार राव के द्वारा जीता गया है। वेस्ट एक्टर क्रिकेटर्स का अवार्ड संजय मिश्रा के द्वारा जीता गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है गाइस कि शमा भाटे को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 फरवरी 2023 में दिया गया से सम्मानित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा कथक। गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, अप्रैल 2023 में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनकर इतिहास रचा, यह चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह चैंपियनशिप जो है ना दुबई में आयोजित की गई थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? ओडिशा राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया, तो ओडिशा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत के राष्ट्रपति ने 2023 में गुरुचरण सिंह को डैश के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, क्रिकेट आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे,
क्वेश्चन से गाइस है कि ज्योति यारा जी ने 2023 में निम्नलिखित में से किस खेल में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? इंडोर बाधा दौड़। अगला क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट उसका क्वेश्चन से कि पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किस वर्ष किया गया था? पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेलो विंटर गेम्स का जो आयोजन है ना, ये 2020 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन है कि रानी मचैया को लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए किस वर्ष में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? किस वर्ष में सम्मानित किया गया था? वर्ष 2023 में। गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, तमिलनाडु राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन अधिनियम 2022 तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों की सूची में डैश और कुरीविकरण समुदायों को शामिल करेगा। सही जवाब हो जाएगा नारी कोरावन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, क्वेश्चन का है कि मानव विकास सूचकांक 2021 के अनुसार पड़ोसी देशों के किस समूह का स्थान भारत से पीछे है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, वर्ष 2004 से 2009 तक झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे डैश का 2022 में लखनऊ में निधन हो गया है, यह है सैयद सिफ्तरजी। तो सैयद सिफ्तरजी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, मुमताज खान को 2022 में FIH वुमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर FIH वुमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर नामित किया गया था। वह निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये हॉकी खेलती हैं, हॉकी खेल। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2023 ISSF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप 2023 ISSF जूनियर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में अमनप्रीत सिंह ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल में, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 2023 विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई थी? तो ये तमिलनाडु राज्य में आयोजित की गई, तमिलनाडु आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? 2023 में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 2023 में स्पाइस जेट के प्रमुख अजय सिंह को निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? एसोचैम आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, रोहित शर्मा अक्टूबर 2022 में कितने T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले पहले भारतीय बने हैं? 400। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, नहीं भी जान लीजिए। वह 400 T20 मैच खेलने वाले भारत के पहले और दुनिया के 9वें क्रिकेटर बन गए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर किरण पोलार्ड के नाम है, जिन्होंने 614 मैच खेले हैं, यह आपको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 फरवरी 2023 में दिया गया नहीं मिला है? सुमित्रा गुहा को नहीं मिला है, तो सुमित्रा गुहा का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया है, नहीं मिला, हाँ ये वाला क्वेश्चन हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति ने 2023 में सना थोइबा शर्मा को डैश के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया? थांगता आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 10 सबसे गरीब राज्यों में शामिल नहीं है? 10 सबसे गरीब राज्य में शामिल नहीं है, वो है गुजरात, तो गुजरात आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे,
2022 में केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल एमएसपी के मुद्दों पर गौर करने के लिए पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव डैस की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। सही जवाब हो जाएगा संजय अग्रवाल। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? पाकिस्तान को हराकर जीता है। सुगा अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में आयोजित 2023 विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया? भारत में आयोजित 2023 विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन उदयनिधि स्टालिन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @ 2047 के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में निम्नलिखित में से किस 100 मेगावाट सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? सही जवाब हो जाएगा रामागुड्डम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, चौथा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। ठीक है, यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि रामागुड्डम परियोजना 4.5 लाख मेक इन इंडिया सौर पीवी मॉडल के साथ भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और पीवी परियोजना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान डैस को भारतीय खेलों में उनके योगदान और खिलाड़ियों की पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए बीबीसी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया है? प्रीतम सिवाच को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारत के किस शहर में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है? भारत के नई दिल्ली शहर में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है, तो नई दिल्ली आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? ये आयोजित की गई आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार 191 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 132वां स्थान है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? इस योजना का नाम है नंद बाबा दुग्ध मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मार्च 2023 में मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराकर महिला प्रीमियर लीग जीती है? दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, किस वर्ष पाकिस्तान ने कबड्डी सर्कल स्टाइल विश्व कप जीता था? वर्ष 2020 में जीता था। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत ने फाइनल के किस देश को हराकर 2023 इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? लेबनान, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की किस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने स्थानीय कला और जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह के कारीगरों के समर्थन के लिए श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लस का उद्घाटन किया? अवसर योजना, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक डैश राज के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है? उड़ीसा में आयोजित किया जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देवेंद्र झंझरिया ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड पिक्सल में कौन सा पदक स्थान जीता? रजत पदक जीता है इन्होंने, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था? उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, इंडिया टॉप्ड द मेडल्स टेबल इन द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023, वेयर वाज दिस कॉम्पिटिशन हेल्प?
सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, ऑस्कर पुरस्कार 2023 विजेता गीत नाटू नाटू के संगीत निर्देशक कौन है? एम कीरावनी। तो एम कीरावनी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 95 वर्षीय भगवानी देवी और 106 वर्षीय रामबाई को उनकी उपलब्धियों के लिए संयुक्त रूप से बीबीसी विशेष ट्रॉफी बीबीसी स्पेशल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, जहां देवी ने फिनलैंड के टाम्परे में डैश में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता। 2022 विश्व मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभंकर का क्या नाम है? जीतू। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत क्षेत्र की प्रोत्थान वितरण क्षेत्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला और दूसरा और चौथा ये सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मार्च 2023 में राजस्थान अपने लोगों को डैश का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान GKRA 2020 में कितने राज्यों का चयन किया गया है? टोटल इसमें देखिए 6 राज्यों का चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में 2023 SAFF चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी ये चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन देखेगा, मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया, वह किस खेल से संबंधित हैं? भारोत्तोलन से संबंधित है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।